नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंटरनेट की क्लास में हम HTML के एलिमेंट्स को प्रैक्टिस करेंगे। अलग अलग जो हमने टैग्स देखे हैं, जैसे कि UL, OL, इसके अलावा हमने IMG टैग, एंकर टैग, इनको हमने समझा। तो इन्हीं टैग्स की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कंप्लीट एग्जाम्पल्स बना के हम चेक करेंगे कि किस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं, कैसे इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने टेबल टैग भी पढ़ा था, तो टेबल के अंदर भी हम कई प्रॉपर्टीज सेट करते हैं, तो वो सारी चीजें हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। एंकर और इमेज, इसमें मैंने आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ के बारे में बताया था कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ असाइन करके हम उस पर्टिकुलर फाइल तक पहुंच सकते हैं जिस पर हमें काम करना है। तो आज वही सारे प्रोग्राम्स हमें इसमें देखने हैं। राइट, तो कैसे काम करते हैं? सबसे पहले स्टेप्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें एडिटर ओपन करना पड़ता है, है ना? एडिटर के अंदर हम अपना कोडिंग HTML का स्टार्ट करते हैं। पूरी कोडिंग करने के बाद उसको सेव करना होता है, और सेव करते वक्त फाइल का नाम डॉट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या देना है? HTML, और ये सारा कुछ आएगा डबल कोट्स के अंदर। राइट, तो डबल कोट्स के अंदर फाइल नेम डॉट HTML आप लिखेंगे। क्यों डबल कोट्स लगा रहे हैं हम? क्योंकि टेक्स्ट एडिटर बाय डिफॉल्ट TXT ऐड कर देता है, तो ऐसा ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए हम डबल कोट्स के अंदर फाइल नेम डॉट HTML लिखेंगे। अब इसमें जो कोड स्टार्ट होता है वो HTML से स्टार्ट होता है। जो पहला एलिमेंट हमने देखा वो है HTML एलिमेंट, जिसको यूज करके हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बारी आती है हेड टैग की। हेड टैग का अर्थ है पेज की इंफॉर्मेशन। हेड में जो भी कुछ लिखा है अर्थात पेज की इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। तो जैसे हमने इसके अंदर सीखा टाइटल टैग, टाइटल टैग यूज करके पेज का, वेब पेज का टाइटल देते हैं। जो भी हमें यहाँ पे टाइटल लिखना है वो हम अपने वेब पेज का दे सकते हैं। राइट, ऐसे ही हमारे पेज की जो दूसरी अदर इंफॉर्मेशन है वो हम हेड के अंदर देते हैं। और ये काम हो जाने के बाद हम हेड टैग को क्लोज कर देंगे, और फिर हमारा मेन जो बॉडी टैग है वो स्टार्ट होगा। तो बच्चों आप ये मत सोचिएगा कि सारा कंटेंट तो बॉडी में देना है तो हेड की कोई उपयोगिता नहीं है। हेड की अपनी एक अलग ही उपयोगिता है। हेड में सारी पेज की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब ये जो वेबसाइट्स बनती हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं, हम किसी भी वेबसाइट पर सर्चिंग होती है, मतलब कि आपकी जो वेबसाइट है उसको लोग सर्च करें, उसको ओपन करें, उसको काम में लें, तो इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती है। जब हम कोई सर्च इंजन ओपन करके सर्च करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें वो कंटेंट होता है, लेकिन शुरुआत में हमें जो वेबसाइट्स के लिंक्स दिख रहे हैं, जो लिस्ट में वेबसाइट्स दिख रही हैं, उनका रैंकिंग हाई है, इसलिए वो हमें पहले दिख रही हैं। तो रैंकिंग हाई कैसे होती है? रैंकिंग हाई एक तो ये है कि जो भी यूजर ने सर्च किया वो आपकी वेबसाइट में, आपके वेब पेजेस पे मिलना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि किसी चीज को यूजर ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसकी रैंक्स वहां पर ऐड होती जाती हैं। जो सर्च इंजन है वो वेबसाइट के साथ उनकी रैंकिंग भी स्टोर करते हैं, और ये रैंकिंग जो है वो कितने यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यूजर यूज कैसे करेंगे? अब ये सर्च इंजन कैसे काम करते हैं? वो इस तरह से काम करते हैं कि जो हेड में आपने पेज की इंफॉर्मेशन दी है ये वही उन्हीं टैग्स, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी एक टैग्स होते हैं मेटा टैग्स। मेटा टैग्स के अंदर हम अपने वेब पेज का, हम अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन देते हैं।
तो उसमें हम कुछ कीवर्ड्स लिख देते हैं, कुछ शब्द जो कि हमारी वेबसाइट में है, जो हमारे इस वेब पेज में है। तो ये जो सर्च इंजन होते हैं, ये इन्हीं मेटा टैग्स को, आपकी जो पेज की इंफॉर्मेशन है जो आप हेड में देते हैं, उन्हीं के द्वारा ये आपकी, क्या आपके पेज में क्या है, ये सब चीज उन्हें मेटा टैग से पता चलती है सर्च इंजन को। और ये ही मेटा टैग्स आपकी वेबसाइट की रैंकिंग हाई या लो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पेज की इंफॉर्मेशन, इसलिए हेड टैग को आप कम मत आगिएगा। हेड में जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं ना, उसी से हमारी वेबसाइट की रैंकिंग सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो अभी हम आगे चल के सीखेंगे मेटा टैग भी। अभी फिलहाल हम बॉडी, एक वेब पेज बनाना तो सीख लें, कैसे हमें बनाना है। तो बॉडी के अंदर, बॉडी टैग जो है उसके अंदर हम सारा दे देंगे, और लास्ट में हम स्लैश लगा के बॉडी टैग की क्लोजिंग देंगे, HTML टैग की क्लोजिंग देंगे। और जैसा कि आपको पता है, बॉडी टैग में आप जो भी कुछ लिखते हैं वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाता है ब्राउजर पर। ब्राउजर हमारी वो एप्लीकेशन है जिस पर हम अपनी वेबसाइट, अपने वेब पेजेस रन करके देखते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जैसे आपने कोई लाइन यहां पर लिखी और फिर आपने दूसरी लाइन यहां पर लिखी, तो ये क्या करेंगे दोनों, ब्राउजर क्या करेगा, जब आप ब्राउजर में इसको रन करेंगे तो एक ही लाइन में दिखेंगी आपको ये दोनों लाइंस। आप कहेंगे कि मैंने तो एंटर देकर दूसरी लाइन में लिखा था टेक्स्ट, लेकिन भाई इसको नहीं पता है कि आप यहां पर नई लाइन देना चाहते हैं। आपको क्या लिखना पड़ता है, आपको नई लाइन देनी है, आपको ब्रेक लाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसी तरह से जब, अगर आप एक्स्ट्रा स्पेसेस देना चाहते हैं ना, तो वो एक्स्ट्रा स्पेसेस भी ये नहीं लेगा, ये तो बाय डिफॉल्ट हर शब्द के बीच में एक स्पेस ही देगा। अगर आप एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा &NBSP। ये जो &NBSP है ये स्पेस देने के काम में आता है। क्या लिखना है, &NBSP है ना, और ऐसे सेमी कॉलन लगा लगा के, जैसे आपको 5 ब्लैंक स्पेस देने हैं तो आप 5 बार ऐसे लिख दीजिए, एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे तो 1, 2, 3, 4 लिखें तो 4 स्पेसेस आ जाएंगे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि ये नई लाइन आपके देने पर, इधर एडिटर में आपने नई लाइन दे दी तो ये नहीं नई लाइन देगा, आपको नई लाइन चाहिए आप BR लिखिए। या फिर कुछ टैग्स ऐसे हैं जो कि ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का क्या अर्थ होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का अर्थ होता है कि वह एक नई लाइन से शुरुआत करते हैं और काम खत्म हो जाने पर लाइन ब्रेक अपने आप हो जाती है। जैसे HR, जैसे H1, H2 है ना, ये H1, H2, HR टैग आपने अभी नहीं पढ़ा है, H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये कुछ ऐसे टैग्स हैं जो कि नई लाइन से शुरू होते हैं। ठीक है, और जैसे हमने पैराग्राफ टैग पढ़ा, पैराग्राफ भी क्या है, नई लाइन से शुरू होगा और बाद में लाइन ब्रेक हो जाएगी। आप पैराग्राफ टैग क्लोज करके जो भी कुछ देंगे वो नई लाइन से आएगा ऑटोमेटिकली। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम यहां पर नोटपैड ओपन करते हैं और हमने एक सिंपल HTML पेज बनाया था उसको ओपन करते हैं। ओपन पे हमने क्लिक किया और ई ड्राइव में हमने यहां पर HTML पेजेस में स्टोर किया हुआ है अपनी एक फाइल। यहां पे अब आप बोलेंगे कि हमारी फाइल नहीं दिख रही। कई बार बच्चे इस तरह की समस्याएं लेकर आते हैं कि हमारी फाइल तो दिख ही नहीं रही। आप देखिए यहां पर ये टेक्स्ट एडिटर है, ये TXT फाइल्स को ओपन करने के लिए बनाया गया है। आप HTML फाइल ओपन करना चाह रहे हैं तो यहां पे देखिए आपको ऑल फाइल्स चुनना होगा। जैसे ही आपने ऑल फाइल्स किया, हमें यहां पर 2 पेज दिख गए, mytable.html और एक आ रहा है trypage.html। trypage.html ओपन करते हैं, ये देखिए है ना, हमने हेड में टाइटल दिया था और हेड क्लोज कर दिया, फिर बॉडी में हमने H1 दिया। अब जैसे यहां पर हमने P टैग दिया हुआ है और ये कुछ डिस्प्ले हो रहा है, फिर हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग क्लोज करने के बाद
कुछ लाइंस दी हैं और फिर हमने बीआर दिया है। अगर हम बीआर नहीं देते तो ये दोनों लाइंस, पहली लाइन में लिखा है माय वेबसाइट इज वेरी यूजर फ्रेंडली और दूसरी लाइन में लिखा है इट हैज मैनी शॉपिंग ऑप्शंस, अगर बीआर नहीं देते तो क्या होता, ये दोनों सेंटेंस एक ही लाइन में, मतलब जैसे ही फ्रेंडली खत्म होता इट हैज मैनी शॉपिंग ऑप्शंस स्टार्ट हो जाता। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो रन कैसे करके देखेंगे, ब्राउजर ओपन करेंगे, तो जो भी हमारे पास ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम, वो हमें ओपन करना है और फिर हमें अपनी यूआरएल यहां पे लिखना है। तो ई ड्राइव में एचटीएमएल पेजेस और फिर हमने एक फाइल बना रखी है ट्राई पेज डॉट एचटीएमएल, ये आ गई हमारी। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए ये अलग लाइन में आ रहा है। जैसे ही हम यहां पे बीआर हटा के देखते हैं, बीआर हटा दिया हमने, एक लाइन भी दे रखी है, तो क्या आएगी ये लाइन, सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, माय वेबसाइट इज वेरी यूजर फ्रेंडली लिखा हुआ आ रहा है और उसके ठीक बाद इट हैज, वहीं उसी लाइन से इट हैज मैनी शॉपिंग ऑप्शंस लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको लाइन ब्रेक करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बी आर। आप दो लाइन का ब्रेक चाहते हैं तो दो बार लिखेंगे बी आर। ये देखिए फाइल, जब भी चेंजेस करेंगे चेंजेस को सेव करना है, इधर आके रिफ्रेश करना है। दो लाइंस का गैप आ गया, ये किस वजह से, क्योंकि हमने यहां पर दो बार बी आर लिखा है। अब मैं चाहती हूं कि इट हैज मैनी शॉपिंग ऑप्शंस ये थोड़ी स्पेस के साथ हो, दूरी के साथ हो। चलिए यहां पर थोड़ी सी स्पेस डाल देते हैं, है ना, स्पेस डाली और फाइल को सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, नहीं हुआ, वापस से सेव करके देखते हैं, कहीं हमारी फाइल सेव हुई थी ना, सेव हो गई, और यहां रिफ्रेश किया, ये देखिए यहां स्पेसेस नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये ऐसे स्पेसेस नहीं देता। चलिए लिख के देखते हैं हम एम्परसेंट एन बी एस पी, एक और बार लिखते हैं एम्परसेंट एन बी एस पी एंड एम्परसेंट एन बी एस पी, इस तरह से जितनी भी स्पेसेस चाहिए उतनी बार आपको ये चीज लिखनी होगी। अब आप फाइल को सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए अब ये जो इट है, इट हैज मैनी शॉपिंग ऑप्शंस वाली लाइन, ये थोड़ी दूरी से स्टार्ट हो रही है, वो किस वजह से, क्योंकि हमने यहां पर चार स्पेसेस के लिए कोड लिखा है। तो इस तरह से ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको एक्स्ट्रा लाइंस चाहिए, आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस चाहिए, तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, है ना। इस फाइल को सेव करके अब हमने एक और फाइल बना रखी है, उसको भी एक बार समझते हैं। वापस से हमने कहा ऑल फाइल्स, ऑल फाइल्स करते ही हमें अपनी फाइल नजर आ गई माई टेबल डॉट एच टी एम एल। इसमें हमने ये देखिए टेबल टैग को रिवाइज कर लेते हैं, बॉडी में हमने टेबल बनाया था और टी आर, जैसे ही हमें रो स्टार्ट करनी है हम टी आर देंगे, पहली रो में हम हेडिंग दे रहे हैं इसलिए हमने टी एच लिखा हुआ है और दो कॉलम्स में इसको मर्ज किया हुआ है, इसलिए टी एच के अंदर हमने क्या किया हुआ है, दो कॉलम्स को मर्ज किया हुआ है, इसलिए हमने क्या लिखा है, कॉलम स्पैन इक्वल्स टू टू, यानी कि नेम वाला जो कॉलम है ना वो दो कॉलम्स की जगह ले लेगा और एड्रेस वाला जो है वो पहली रो और दूसरी रो दोनों रो ले लेगा। ऐसा हमने क्यों किया था, क्योंकि हमें दूसरी रो में नेम के अंतर्गत दो नाम बताने हैं, फर्स्ट नेम सरनेम, इसी तरह से फोन नंबर के लिए भी करना है, तो फोन नंबर जो है वो दो कॉलम्स ले रहा है क्योंकि इसके नीचे दो कॉलम्स आएंगे, मोबाइल नंबर लैंडलाइन नंबर। तो इस तरह से हमने ये टेबल बनाई थी। ठीक है, अब जैसे कि कुछ भी हमें यहां पर टेबल में स्टाइलिंग करनी है, अभी देखिए ये टेबल कैसे आ रही है, एक और टैब यहां ओपन करते हैं, ई कोलोन HTML pages और हमारे पेज का क्या नाम है वो हम करेंगे, हम फाइल को चुन सकते हैं या फिर उसका नाम हमें ध्यान है तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। ये देखिए
ये नेम जो है ये दो कॉलम्स में हमने आगे विभाजित किया है ना, इसलिए ऊपर हमने लिख दिया कि ये दो कॉलम्स को मर्ज कर रहा है, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, कॉलम स्पैन। और ये एड्रेस देखिए, ये दो रोज को इसमें मर्ज होके एड्रेस दिख रहा है, इसलिए हमने एड्रेस के लिए लिखा था रो स्पैन। तो ये चीज इसमें होती है, आप रो स्पैन कर सकते हैं, कॉलम स्पैन कर सकते हैं, कॉलम्स और रोज की मर्जिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज हमने देखी आज के भाई, अगर हमें एक्स्ट्रा लाइंस चाहिए तो BR BR लिखना पड़ेगा, और अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस चाहिए तो हमें MPSP डालना होगा, जितनी स्पेसेस चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ, मान लीजिए कुछ डेकोरेटिव स्टाइल में ऐसे कुछ लिखना है, या यहाँ पर कोई इस तरह का हम कुछ बना रहे हैं सुंदर सा, तो हम चाहते हैं कि बहुत सारी स्पेसेस छोड़ें और जैसा हम चाह रहे हैं वैसा डिस्प्ले हो जाए, है ना। हमें बार बार BR, अगर हमें बहुत सारी स्पेसेस छोड़नी है तो क्या हमें 10-15 बार ऐसे MPSP लिखना पड़े, तो बहुत मुश्किल होगी। तो इससे बचने के लिए भी हमारे पास एक टैग है, वो है प्री टैग। प्री टैग के अंदर जैसा हम लिखते हैं, मतलब अगर हमने लाइन छोड़ के लिखा तो लाइन यहाँ पर ब्रेक होते हुए दिखाई देगी, अगर हम एक्स्ट्रा स्पेसेस देंगे तो एक्स्ट्रा स्पेसेस भी हमें दिखाई देंगी। तो प्री टैग है, जो कि पेयर टैग होता है। प्री टैग के अंदर जो भी देते हैं, जितनी भी स्पेसेस देते हैं, जितनी भी लाइंस आप ब्रेक करते हैं, वो अपने आप, आपको BR MPSP देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक से आने के बाद हम प्री टैग को यहाँ पर प्रैक्टिस करके देखेंगे। चलिए बच्चों ब्रेक हमने ले लिया, क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम प्री टैग की बात कर रहे थे। प्री टैग के अंदर हम जब भी कुछ टेक्स्ट देंगे और उसमें हम जितनी भी लाइंस का गैप देंगे या जितनी भी स्पेसेस देंगे वो एज इट इज डिस्प्ले होंगी ब्राउजर पे। हमें BR MPSP इनको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर, ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है, मैंने कुछ यहाँ पे 5 स्पेसेस छोड़ के यहाँ पे लिखा और फिर नई लाइन में थोड़ी सी लिखा और फिर प्री टैग क्लोज कर दिया, तो ये एज इट इज डिस्प्ले होगा, ठीक है ना।
कई बार जैसे कि आपको कोई जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू मैसेज लिखना है, हैप्पी न्यू ईयर, कोई बेस्ट विशेस या कुछ आपको इस तरह से लिखना है कि आप डेकोरेटेड वे में उसको स्पेसेस के साथ और लाइंस के साथ नई नई दिखाना चाहते हैं, तो उसमें पॉसिबल नहीं होता। आप जैसे यहाँ पर मेरे को 5 बार लिखना पड़ता है एम्परसन एनबीएसपी और यहाँ पे 10 बार लिखना पड़ता है एम्परसन एनबीएसपी, तो उसकी जगह हम प्री टैग यूज करेंगे तो जैसे हमने लिखा है वैसे डिस्प्ले होगा। अब इसमें हम प्रैक्टिस करके देखते हैं और लिंकिंग और इमेज टैग को भी हम यूज करके देखते हैं। तो ये तो हमारी टेबल वाली फाइल है। हम यहां पर अपनी ये जो पहली वाली फाइल है इसी को ओपन कर लेते हैं, माय पेज, ये ट्राई पेज। ठीक है, अब हमने यहां पर बहुत सारे एम्परसन एनबीएसपी लिखे हुए हैं तो इनको हम हटा देते हैं और यहां पर हम लिखते हैं प्री। ठीक है, ये देखिए हमने अभी बीआर और स्पेसेस सब हटा दिया है, अब यहां पर हम प्री लिख रहे हैं। प्री के बाद हमने नई लाइन दी और कुछ स्पेसेस हमने दिए हैं और यहां पर आकर हमने प्री को क्लोज कर दिया। अब देखते हैं किस तरह का आउटपुट हमें मिलता है। सेव करा है हमने और रिफ्रेश करेंगे यहां पर, ये देखिए ये ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, इट हैज मैनी शॉपिंग ऑप्शंस, है ना, स्क्रॉल करके हम देख पा रहे हैं इट हैज मैनी शॉपिंग ऑप्शंस और यहां पर ये स्पेसेस आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि यहां पर हमने दिए हैं। ठीक है, और जैसे कि ये चीज हमने करी, इसके अलावा चलिए एक और टेक्स्ट आपको लिख के दिखाते हैं। इसमें ये प्री टैग तो यहीं पर क्लोज हो रहा है, दूसरा प्री टैग हम ओपन करते हैं। ठीक है, फिर हमने स्पेसेस छोड़ के लिखा विश, एंटर दिया और फिर थोड़ी सी दूरी छोड़ के हमने लिखा विश यू अ वेरी हैप्पी ठीक है, और प्री टैग हमने क्लोज कर दिया। अब देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। फाइल को सेव करके और यहां पर एक बार रिफ्रेश करेंगे हम लोग, ये देखिए ना तो हमने कोई बीआर दिया ना हमने कोई एम्परसन एनबीएसपी दिया, फिर भी ये इस तरह से नजर आ रहा है। ये किस वजह से? ये प्री टैग की वजह से। आपने जितने स्पेसेस दिए हैं ना प्री टैग के बाद, जितना स्पेस देंगे उतना स्पेसेस यहां पर भी डिस्प्ले होंगे। आप वहां पर नई लाइन में टैग्स देंगे तो नई लाइन में ही ये डिस्प्ले होगा। अगर हम ये प्री टैग हटा देते, चलिए हटा के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये प्री टैग हमने हटा दिए। अब देखते हैं कैसे डिस्प्ले होता है। फाइल को सेव करा और यहां पर ये देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है ना। अभी रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते ही क्या हो गया, विश यू आर वेरी हैप्पी बर्थडे, ये एक लाइन में आ गया। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा था? प्री की वजह से। जैसे भी आप प्री में लिखेंगे नई नई लाइन देकर, वैसा ही ये डिस्प्ले होगा। ये हमने वापस से यहां पर प्री टैग लगा दिया और इसको हमने रिफ्रेश किया, ये देखिए यहां पर ये जो है ये इस तरह से क्यों आ रहा है, क्योंकि
यहां पर आपने एंटर की नहीं दी और ठीक है, तो ये अब इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे भी आप दिखाना चाहते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि यहां पे हमें नहीं चाहिए नई लाइन, तो आप इसको इस तरह से दे दीजिए। ठीक है, तो फ्री में हम जैसा भी लिखते हैं वैसा का वैसा डिस्प्ले होता है। चलिए बच्चों, अब हम एक लिंकिंग करके देखते हैं। हमने यहां पर एंकर टैग की स्टार्टिंग करी और HREF इक्वल्स टू हमने लिखा। हम चाहते हैं कि जब इस लिंक पर क्लिक करें हमें हमारी जो स्टूडेंट की टेबल है वो नजर आ जाए। तो हमने जो टेबल बना रखी है उसका नाम है mytable.html। तो हमने उसका नाम यहां पर दे दिया। ठीक है, और हम चाहते हैं लिखा हुआ आए स्टूडेंट टेबल, और जब हम उस स्टूडेंट टेबल पे क्लिक करें तो वो फाइल खुल जाए। अब ये हमने दे दिया और एंकर टैग की क्लोजिंग दे दी। ठीक है, इसी तरह से करते हैं। HREF में हमें लिखना होता है फाइल का नाम। अगर फाइल कहीं और है तो हमें पाथ स्पेसिफाई करना पड़ता है। रिफ्रेश करेंगे पेज को और यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट टेबल टेक्स्ट है वो अलग तरह से नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस टेक्स्ट पर आपने लिंक क्रिएट करा हुआ है। और देखिए ये माउस पॉइंटर है, जैसे ही हम लिंक पर माउस पॉइंटर लेकर आए माउस पॉइंटर हैंड पॉइंटर में तब्दील हो गया, है ना, चेंज हो गया माउस पॉइंटर। हैंड पॉइंटर अब दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी हमें हैंड पॉइंटर नजर आ रहा है इसका अर्थ ये है कि ये टेक्स्ट लिंक्ड है। और लिंक टेक्स्ट का जो कलर है वो अलग होता है। जब हम उसको देखते हैं पहली बार जब हमने इसको देखा टेक्स्ट को तो इसका कलर कुछ और है। अभी एक बार इसका कलर चेंज भी आप नोटिस करिएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा जब आप क्लिक करके दूसरे उसको ओपन करेंगे। देखिए क्लिक करा हमने तो यहाँ पे ये देखिए टेबल नजर आ गई। क्लिक करते ही ये खुली हुई है, आप ऐसा मत सोचिएगा इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, आप देखिए जब हम क्लिक करते हैं तो इसका रंग चेंज होता है ना, ऑरेंज हो रहा है ब्लू से। क्लिक करा और ये देखिए फाइल खुल गई। तो दिस इज लिंकिंग, कि जब हम क्लिक करते हैं तो वो फाइल हमारे सामने खुल जाती है। अब जैसे कि ये फाइल स्क्रॉल करते करते देखिए कितनी बड़ी हो गई, हम नीचे से ऊपर, है ना, ऊपर से नीचे स्क्रॉल करके जा पा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए मैं यहां पे एक ऐसा लिंक क्रिएट करना चाहती हूं जिससे कोई दूसरी फाइल ना खुल के इसी फाइल के टॉप पर हम पहुंच जाएं। आप कई बार जब आप वेबसाइट्स देखना शुरू कीजिए, आप वेबसाइट्स देखेंगे तो उसमें आप तरह तरह की वेबसाइट्स देखेंगे और आपको भी इस तरह की चीज मिलेगी कि वेबसाइट में कई बार होता है गो टू टॉप, है ना, वेबसाइट पढ़ते पढ़ते आप बहुत नीचे आ गए। तो यहां पर हम वो लिंक देते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? अब इस केस में हमें किसी दूसरी फाइल से लिंकिंग नहीं करनी है, हम सेम फाइल में ही लिंकिंग कर रहे हैं। तो हम यहां पर एंकर टैग लिखेंगे HREF इक्वल्स टू, यहां पर हम कोई दूसरी फाइल से लिंक नहीं करना चाहते, हम किससे लिंक करना चाहते हैं, बुकमार्क से। यहां पर लिंकिंग जाएगी बुकमार्क पे, तो वो हैश लगा के हमें बुकमार्क का नाम देना होगा। लेट्स से T1 नाम का कोई बुकमार्क है। अभी ये चीज करके देखिए, फिर इसको और समझेंगे अच्छे से। हमने यहां लिख दिया गो टू टॉप, एंकर टैग क्लोज कर दिया। अब ये T1 क्या है? हैश T1 का अर्थ ये है कि जब हम, वैसे तो हम क्या करते हैं डबल कोट्स में, जैसे यहां दिया है फाइल का नाम, यही देते हैं, है ना। लेकिन अब यहां पर हमें किसी दूसरी फाइल में लिंकिंग नहीं करनी, हमें सेम फाइल में कहां पहुंचना है, क्लिक करने पर किसी दूसरी फाइल में नहीं पहुंचना, कहां पहुंचना है, इसी फाइल के टॉप पर। तो ये #T1 हम क्रिएट करेंगे टॉप पर। यहां पे जैसे कि ये H1 है, इसको हम ID दे देंगे, ID इक्वल्स टू T1। तो ये ID क्या है? ये एक एट्रीब्यूट है, हम किसी भी टैग को ये एट्रीब्यूट दे सकते हैं ID का। अब एक बार सेव करके देखते हैं ये सही से हो पा रहा है या नहीं। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए गो टू टॉप आ रहा है,
इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप उसी वेबसाइट में टॉप पर पहुंच गए, पहुंच गए, सही से काम कर रहा है। चलिए अब इसको एक बार समझते हैं। एक तो सबसे पहले यहां पर हम br दे देते हैं ताकि गो टू टॉप थोड़ा नीचे लिखा हुआ आए। br दे दिया हमने, दो बार br दे देते हैं, ठीक है। एक बार और इसको आप इसकी फंक्शनैलिटी को देख लीजिए। ये देखिए, एक बार हम पुनः ब्राउजर को ओपन करते हैं। ब्राउजर ओपन किया और यहां पर हमें अपनी फाइल HTML पेजेस ये खोलनी है, ठीक है। अब देखिए ये गो टू टॉप लिखा हुआ आ रहा है, br हमने दिया था, दो लाइन का ब्रेक आ गया। इस पे भी लिंकिंग है, इस पे किसी दूसरे पेज की लिंकिंग ना हो के कौन सी लिंकिंग है, पेज के टॉप की। तो हमने क्या किया, ये जो माय शॉपिंग साइट लिखा था यहां पर एक बुकमार्क बना दिया। कैसे बनाते हैं बुकमार्क? सिंपली जहां भी बुकमार्क बनाना है एक आईडी एट्रीब्यूट हम वहां लगा देंगे, इक्वल्स टू उस आईडी का नाम दे देंगे। जैसे यहां पर हमने बुकमार्क का नाम दिया है T1, तो H1 को हमने एक आईडी दे दी T1। अब जब भी हमें लिंकिंग करनी है हम इस T1 पे लिंकिंग करने के लिए लिखेंगे #T1। तो T1 एक बुकमार्क का नाम है। और अब जब हम क्लिक करेंगे तो किसी दूसरे पेज पर ना पहुंच के हम कहां पहुंच जाएंगे, T1 पर, और T1 ऊपर लिखा हुआ है। तो इस तरह से बुकमार्क क्रिएट करके हम लिंकिंग बुकमार्क पर कर सकते हैं। अभी तक हमने लिंकिंग करी कि हम किसी दूसरे पेज पर जा रहे हैं, तो ये चीज तो पॉसिबल है ही। उसके अलावा हम सेम पेज में लिंकिंग कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे पेज के किसी पर्टिकुलर बुकमार्क तक भी लिंकिंग कर सकते हैं। उस केस में हमें डबल कोट्स में फाइल का नाम #bookmark का नाम देना होता है। कैसे देते हैं हम? यहां पर एंकर टैग लिखा href इक्वल्स टू यहां पर फाइल का नाम, ठीक है, जैसे कि फाइल का नाम .html #bookmark का नाम आ जाएगा। इस तरह से लिखेंगे। अगर केवल बुकमार्क तक लिंकिंग करनी है तो #bookmark नेम आ जाएगा। केवल किसी पर्टिकुलर फाइल पर लिंकिंग करनी है तो फाइल का नेम .html आ जाएगा डबल कोट्स में। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर दूसरी फाइल और उसके किसी बुकमार्क तक पहुंचना है तो डबल कोट्स में फाइल का नाम .html #bookmark का नाम, और वो बुकमार्क वहां होना चाहिए उस फाइल में, ठीक है। तो इस तरह से लिंकिंग को भी आप अलग अलग तरह से कर सकते हैं और आप किसी भी तरह की इस तरह की लिंकिंग अचीव कर सकते हैं कि सेम पेज में आप टॉप पर जा रहे हैं या टॉप से आप बॉटम पे सीधे आप किसी पर्टिकुलर आर्टिकल पर स्विच कर रहे हैं। तो सेम पेज में भी लिंकिंग हो सकती है और दूसरे पेजेस को तो हम लिंक करते आए ही हैं, ठीक है। तो बच्चों ये चीज आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, और आगे आने वाली कक्षाओं में हम और इसको थोड़ा सा करके देखेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि हमारी जो चीजें हैं वो सही से हमें समझ आती रहे, राइट। तो चलिए आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।